की कर लेते हैं। ईडी से ईडी की लगातार पूछताछ जारी है। ईडी से पूछताछ के बीच संजय राउत की पहली तस्वीर भी सामने आई है। आपसे थोड़ी देर पहले संजय राउत अपने घर की बालकनी पर आए और वहां मौजूद समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। संजय राउत के साथ उनके भाई सुनील राउत भी मौजूद थे। तो संजय राउत की हम दिक्कतें बढ़ती हुई देख रहे हैं। ईडी की टीम सुबह 7 बजे पहुंच गई थी और लगातार छापेमारी के साथ साथ कुछ सवाल भी संजय राउत से पूछे गए हैं। और इस कार्रवाई के बीच देखिए संजय राउत वेव करते हुए शिव सैनिकों का अभिवादन करते हुए आप संजय राउत को देख रहे हैं। और खबर ये भी है कि दिल्ली से भी ईडी के कुछ अधिकारी मुंबई पहुंच चुके हैं। तो क्या अब ईडी दफ्तर संजय राउत को ले जाया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पर नवभारत से बोले संजय राउत के भाई, ईडी की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है, कमरों की तलाशी की जा रही है। अधिकारियों की ओर से यह बात संजय राउत के भाई की ओर से कही गई। संजय राउत से अधिकारियों ने पूछताछ नहीं की है, ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है ये सबसे पहले जानकारी देने वाला टाइम्स नाम नवभारत, जो हम आपको बता रहे हैं कि संजय राउत से अधिकारियों ने पूछताछ नहीं की, ये जानकारी उनके भाई की ओर से दी गई है। हाँ संदीप जी, ईडी आता क्या करते हैं आप, क्या कर रही है ईडी अंदर? बेसिकली डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं क्या? डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं क्या? और संजय जी से बात भी की जा रही है? उनको उनसे बात नहीं कर रहे क्या? उनका क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं ईडी? अब कौन से रूम में डॉक्यूमेंट देख रहे? पूरे घर पे देख रहे क्या? पूरे घर पे देख रहे, छानबीन कर रहे? फोन पे बात नहीं कर सकता। अच्छा, छानबीन कर रहे क्या? हाँ। और लेके जाने वाले बोल रहे क्या? नहीं। लेके नहीं जाने वाले? नहीं। अच्छा ठीक है। और ये पूरा एलिगेशन कैसा? कार्रवाई के बीच की आपने तस्वीरें देख ली। संजय राउत बालकनी में आए, उन्होंने हाथ हिलाकर शिवसेना के जो तमाम कार्यकर्ता वहां जुटे हुए थे उनका अभिवादन किया और उसके बाद उनके भाई की बातचीत आपने सुनी। फिलहाल वहां क्या चल रहा है, हमारी सहयोगी शिवानी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। शिवानी, अब 4 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है अभी संजय राउत से, जैसा कि खबर सामने आ रही है, अभी वहां पर क्या तस्वीर आप देख पा रही है? क्योंकि कुछ देर पहले तक तो काफी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा वहां लगा हुआ था, अभी क्या अंदर खाने से जानकारी आपके पास? फिलहाल देखिए, अभी भी यहाँ पर कोई कई सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं, समर्थक हैं, वो जुड़े हुए हैं। महेश, आपको दिखाएंगे तस्वीरें, आप देख पाएंगे जो पूरा रास्ता है ये भरा हुआ है। हालांकि सुबह के बाद से अब से जो जोश है वो थोड़ा पहले के मुकाबले कम हो चुका है। साफ तौर पर झंडे अभी भी लोगों के हाथ में है। जिस तरीके से बढ़ती संख्या की हमने उम्मीद की थी, उतनी बड़ी संख्या में तो शिवसैनिक यहाँ नहीं जमा हुए हैं। लेकिन हाँ, ये है कि सुबह जिस तरह से तालियां बजाते हुए या अभिवादन करते हुए जोर शोर से आवाजें दे रहे थे संजय राउत जी के समर्थन में, वो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर यहाँ पर कुछ लोग अभी भी जुटे हुए हैं, अभी भी समर्थन दे रहे हैं अपना, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा शांति जो है वो यहाँ नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर कुछ देर पहले जब संजय राउत पहुंचे, उन्होंने लोगों को अपना हाथ दिखाया, उससे ये जरूर साबित हो गया कि वो कहीं ना कहीं लोगों का आभार मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, जो लोग उनके लिए यहाँ पर एज ए समर्थक मौजूद हैं। फिलहाल तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे कि अभी भी जो नारेबाजी है वो शुरू है यहाँ पर। हालांकि मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो गेट के अंदर और गेट के बाहर बरकरार वैसी की वैसी बनी हुई है। सीआरपीएफ के जो जवान है वो भी अंदर मौजूद है। साफ करना चाहिए था, इंक्वायरी में जाकर अपनी स्पष्टीकरण देना चाहिए था। महाराष्ट्र की जनता को, गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई अगर आप भ्रष्टाचार करके कमाते और अवैध संपत्ति बनाते, तो इसका आंसर डिपार्टमेंट को पूरा राइट्स है पूछने का और आप पे कार्रवाई करने का। और आने वाले समय में उनको अरेस्ट भी किया जाएगा और जेल के पीछे भी जाएंगे। आज महाराष्ट्र में
तो नवनीत राणा को आप सुन रहे थे कह रहे कि भ्रष्टाचार हुआ है, जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल अगर आपने किया है तो आप जेल के पीछे भी जाएंगे, आप देखिएगा सलाखों के पीछे भी होंगे। शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, संजय राउत का जो नॉर्मली कॉन्फिडेंस नजर आता है आज वो दिखा नहीं, वेव करने जरूर वो बाहर आ गए लेकिन उनका वो कॉन्फिडेंस चेहरे पर नहीं झलका। और दूसरी बात, नवनीत राणा कह रही है अभी तो आप सलाखों के पीछे भी जाएंगे, आप देखिएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत साफ है कि यहाँ पर जिस तरीके से रेड हो रही हैं, सर्च हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर काम जो है वो चल रहा है, क्योंकि एक तरफ ट्वीट पर भी संजय राउत ने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि उनका किसी भी स्कैम में कोई हाथ नहीं है, वो किसी भी स्कैम में जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो झुकेंगे नहीं। साफ तौर पर सर्चेस में फिलहाल वो कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरे घर भर में जितने उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जो ईडी है वो जाँच कर रही है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपको बता दें कि पत्राचार स्कैम में लगातार संजय राउत ये कहते आए हैं कि उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन ईडी के पास एक पुख्ता सबूत है कि एक मॉनिटरी ट्रांजैक्शन जो है वो प्रवीण राउत जो इसी पत्राचौल स्कैम में मेन अक्यूज्ड हैं, जो फिलहाल अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनके साथ संजय राउत का एक मॉनिटरी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जिसके आधार पर संजय राउत से पूछताछ होनी थी। आपको फिलहाल हम बता दें कि संजय राउत के साथ किसी भी तरीके की क्वेश्चनिंग नहीं हुई है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ये जो सर्च है वो आगे बढ़ती है, तो संजय राउत को क्वेश्चनिंग के लिए ईडी के दफ्तर ले जाया जाएगा, क्योंकि अगर उनके घर पर ईडी सवाल जवाब नहीं कर रही है तो वो अलग से ईडी के दफ्तर में सवाल जवाब करेगी। फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन को सर्च किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें ये बिल्कुल साफ है, यहाँ पर तस्वीरें एक बार महेश आपको दिखा दें कि माहौल जो है वो बना हुआ है पूर्णतः, तो ये साफ है कि जब संजय राउत अगर यहाँ से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ये समर्थक जो है ईडी को रोकने की कोशिश करेंगे, या फिर संजय राउत के आगे दिए गए निर्देश के आधार पर आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं या नहीं, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जो समर्थक हैं वो कई सारे जो लोग हैं वो बाहर भी रुके हुए थे, क्योंकि उनको मेन लेन में पुलिस जो है वो अंदर आने नहीं दे रही है, पुलिस की सिक्योरिटी मुंबई पुलिस की काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं ईडी दफ्तर के बाहर भी आप देखिए सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है, ऐसी खबरें छनछन कर आ रही है कि शिव सैनिक वहां पर भारी संख्या में पहुंच सकते हैं, तो ऐसे में पहले से ही एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। शिवानी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी।